हम लोग जब शराब पीते थे दोस्तों के साथ तो हमारे तो दारू पी के किस्से बनते थे, ठीक है, नहीं किस्से तो, हम बनते हैं ऐसी बात नहीं, ये आसान चीज़ नहीं है। ब्लड का साइट, ब्लड की स्मेल और वो सब चीज़ें उसके यूज टू होना पड़ता है। अगर आपके पास गोलियां खत्म है, आप खुकरी लेके आपको गला भी काटना है किसी का। हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। जी हाँ, एमबीज मैन केव में ही हूँ। आप लोग के दूसरे चैनल पे नहीं चले गए, बट ये ज़रूर बताइए मुझे कि कैसी लगी ये क्लिप, छोटी सी क्लिप जो आप लोगों ने देखी। दिस वॉज फ्रॉम आर ब्रांड न्यू चैनल माइंड ब्रू, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था। याद है कि नहीं याद आप लोगों को? नहीं याद तो कोई बात नहीं भाई, बट येस दिस इज आर ब्रांड न्यू चैनल माइंड ब्रू। कुछ अलग तरीके का चैनल है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम एमबीज मैन केव, बट अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इसमें भी बातें ही होंगी, आपकी मेरी दूसरों की दुनिया की बातें, एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा करने की, कुछ आगे बढ़ने की बातें थ्रू डिफरेंट मीन्स। तो अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो प्लीज़ प्लीज़ डू वॉच आर वेरी फर्स्ट वीडियो। आई वुड लव कि अगर आप लोग भी मुझे सपोर्ट दें जिस तरीके से सपोर्ट आप लोगों ने इस चैनल पर को दिया है। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल एंड आई होप कि थोड़ा सा प्यार जो आपके पास बाकी अगर है तो वो उस चैनल को भी दीजिए, जाके देखिए। अगर मज़ा आए तो रुकिए उस चैनल पर, ऐसा नहीं है कि भाई कोई लाइबिलिटी आप लोगों के पास, बट प्लीज़ डू वॉच दैट चैनल। इफ़ यू एन्जॉय इट देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बट आज के वीडियो में इनफैक्ट आई वॉन्टेड कि जो हमने उस चैनल में कुछ बातें करी उसका एक एक्सक्रिप्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है कर्नल रवि जोशी, वो 23 इयर्स आर्मी में बिता के आए हैं और अब एक वाइन कॉनेसोर हैं। तो मैं चाहता था कि उनसे बातचीत करूँ कि भाई आर्मी और आर्मी के अंदर जो वाइन का कल्चर है, विस्की का कल्चर है, अल्कोहल पीने का कल्चर है, वो क्या सीन है उसका, क्यों है ऐसा और किस तरीके का कल्चर होता है, उसके बारे में मैंने उनसे बातें करी। और ये आप पूरा वीडियो ऑफकोर्स मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बट इसका वो जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसमें मैंने ये टॉपिक के बारे में बातें करी वो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा और इस चैनल पर देखिए। अगर मज़ा आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पर सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किया ही होगा। Let's go and watch that video. Apart from mental toughness, I think जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है जो मुझे दिखाई भी देती है आर्मी एंड दैट इज़ कमराडरी, बींग देयर फॉर ईच अदर। और जब हम बात करते हैं दोस्ती के किस्से, तो आर्मी के दोस्ती के किस्से तो बहुत ही हैं, और उन दोस्ती के किस्सों के साथ जुड़ी होती है हमारा लिकर कल्चर। क्या रीज़न क्या है ये अल्कोहल का आर्मी के साथ, क्या ये जुड़ाव क्यों है ये? हाँ, अल्कोहल का देखिए आर्मी में और आई विल से डिफेंस सर्विसेज, नेवी एंड एयरफोर्स एज वेल, एक कल्चर ये है कि जो डिसिप्लिन है वो मैंने बताया, दैट इंक्लूड्स योर लेजर टाइम आल्सो। अब आप ऑफिसर्स मेस में हैं तो सबसे पहले हमारी टीचिंग ये रहती है कि यू आर नॉट गोइंग टू टॉक शॉप इन द मेस। आप ऑफिस से कोई चीज़ ला के वहाँ डिस्कस नहीं करोगे। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटिक्स आप बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये बड़ी हेल्दी प्रैक्टिसेज हैं ये, आप क्योंकि आपको अगर आपके बॉस ने इसे डांटा है या कुछ वो करा है, आप आके वहाँ करीब मार रहे हो मैस में, नो दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड एंड दैट इज़ नॉट एडवोकेटेड इन द आर्मी। देयर यू आर एज ब्रदर ऑफिसर, इवन योर बॉस इज़ एन इक्वल, तो आप इसीलिए साथ में इक्वल टर्म्स में बैठ के आप यू आर एन्जॉइंग योर ड्रिंक्स एंड इन अ सेम वे। और अल्कोहल लिमिट होती है बाय द वे आर्मी में, अगर जैसे यंग एज में कभी हमारी ज़्यादा हो जाती थी तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर बुला लेता था, वो मेस बिल देखता था महीने का, या जो यू हैड अ वन टू मैनी, या नो सर, सो ही यूज़ टू से योर मेस बिल सेज अदरवाइज, सो आई मीन सम गेस्ट हैड कम और समथिंग, सो पर वो चीज़ रहती है, आपके कॉन्शियसली किया जाता है कि भाई आप ओवर इंडल्ज मत करो, यू एन्जॉय ड्रिंक इन मॉडरेशन and then you have to fulfill your commitments the next day, your morning PT, you have to be there, you have to run, you have to do everything, so it holds you in good stead if you are moderating over things. I think सबसे सुंदर चीज़ ये है कि हम आर्मी के साथ अल्कोहल को जोड़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन हम कभी भी अल्कोहलिज्म को आर्मी के साथ कभी नहीं जोड़ते। वो सीरियस ऑफेंस भी है आर्मी में। तो हम लोग जब शराब पीते थे दोस्तों के साथ तो हमारे तो दारू पी के किस्से बनते थे, ठीक है, नहीं किस्से तो, हम बनते हैं ऐसी बात तो नहीं। कुछ एक अलग किस्सा कुछ नहीं ऐसा जो मतलब जो शायद किसी ने बहुत ज्यादा पी के ना करा हो, लेकिन उसके अराउंड तो कुछ किस्सा जरूर होगा।
देखिए बहुत ज़्यादा पीके भी हुआ है बट वो ऐसा हुआ था कि हम एक कोर्स कर रहे थे एक जगह पे, तो इन हाइंडसाइड हम कहते हैं कि चलो ठीक है लॉ वगैरह को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हमारे एक फ्रेंड का कहीं रेस्टोरेंट में झगड़ा हो गया था, तो और वो रेस्टोरेंट वाले ने उसके आके अपने बंदों के साथ उसकी पिटाई कर दी थी। अब ऐसा नहीं वो अकेला पड़ गया था वहाँ पे, तो व्हेन ही केम बैक वी आर डूइंग अ कोर्स एंड ऑल। अब कमराटरी की बात यह है कि हम सबको बड़ा गुस्सा आया। कायदे से तो यह है कि पुलिस रिपोर्टर वो होनी चाहिए, कायदे से मैं यही हम लोग यही बोलेंगे एंड स्पेशली मैं अभी और लोग सुन रहे हैं इसमें, लॉ हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड ऑलवेज, आर्मी पीपल आर वेरी लॉ अबाइडिंग। बट एट यंग एज कभी ऐसे हो जाता है, तो हमने एक दो दिन देखा उनको ऑब्जर्व करके और हम गए वहाँ पे और हम 8-10 लोग गए और हम अच्छी तरह कुटाई करके आए उनके, ठीक है। अब वो रेस्टोरेंट बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, वहाँ पुलिस पेपर्स में आ गया और वो काफ़ी कुछ हम प्रॉब्लम में भी आ गए थे काफ़ी उसमें। बट ये होता है, मतलब इंसान है, देखो आर्मी मैन भी क्या है, आप जाएगा कोई बदतमीजी से वो करेगा, एक लिमिट तक करेगा, फिर यंग एज में थोड़ा जोश ज़्यादा होता है। जब हम थोड़े सीनियर हो गए तो हम कभी नहीं करते ऐसे, क्योंकि हम थोड़ा सा उतनी मैच्योरिटी और आ जाती है और वो सब होता है। तो ऐसे भी हो चुका है केस। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा स्क्रिप्ट पसंद आया। एज आई सेड कि सिर्फ अल्कोहल के बारे में बातें नहीं करी हमने इस वीडियो के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातें करी हैं, आर्मी लाइफ के बारे में, मेंटल कंडीशनिंग, किस तरीके से मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ अपने अंदर लानी पड़ती है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे आने वाले बातों में, आने वाले वीडियोज़ में, नॉट जस्ट आर्मी। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माइंड ब्रू चैनल। कर्नल रवि जोशी का इंस्टाग्राम लिंक मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप प्लीज़ उनको जाके फॉलो करिए। माइंड ब्रू का लिंक ऑफकोर्स हमने अपने चैनल पर छोड़ा है, वो भी जाके फॉलो करिए। अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो।